का नुकसान उठा रही कांग्रेस पार्टी के अंदर अब एक लेटर बम फूटा है। करीब 20 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर परिवर्तन की मांग की है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक खेमा राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि कार्यकर्ता राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हालांकि राहुल और प्रियंका दोनों ही जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी में कोई भी बड़ा फैसला लेना होता है तो बिना राहुल और प्रियंका के सलाह नहीं लिया जाता है। हाल ही में सचिन पायलट के प्रकरण में ये साफ देखा जा चुका है। फिलहाल इस नए घटनाक्रम के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या पार्टी किसी बड़ी बगावत की ओर बढ़ रहा है। ये हाल ही में पहला मौका है जब कांग्रेस नेताओं ने सीधे नेतृत्व पर सवाल उठाया है, वो भी उस समय जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठा है। एक ओर जहां पार्टी का बड़ा वर्ग राहुल और प्रियंका गांधी में अपना नेता खोज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के कई बड़े नेता पूरी तरह से बदलाव की मांग कर रहे हैं। क्या कांग्रेस में अंदरूनी संकट बढ़ गया है? क्या कई और बड़े नेता पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं? इन सवालों को क्या दबाने की कोशिश की जा रही थी जिससे पार्टी के अंदर उबाल हो रहा है? इस लेटर बम ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सबके सामने ला दिया है। एक सवाल यहाँ यह भी उठ रहा है कि क्या इस लेटर बम के बाद से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है? नेताओं की चिट्ठी को एक तरह से भारी नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।